16 और 17 जून 2013 को केदार घाटी में आए जल प्रलय में जान माल का काफी नुकसान हुआ था। जल प्रलय के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा 2 साल तक बंद कर दी गई थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों को रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ था, क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के ज्यादातर लोग का जीवन यात्रा के सीजन पर ही निर्भर रहता है। लेकिन 24 अप्रैल को केदारनाथ यात्रा शुरू होने से आपदा के कारण बेरोजगार हुए स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आइए आपको भी दिखाते हैं, वहां के लोगों से के न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। हमें सोनप्रयाग में और ये जो रास्ता है जहां पर हम खड़े हैं, ये आगे गौरीकुंड को जाता है, लेकिन यहां से आगे जाने के लिए जो है बैरिकेड लगा हुआ है। यहां से आगे वही वाहन प्राइवेट वाहन जाते हैं, छोटे वाहन जाते हैं, जो वापस जो है यहां आकर के पार्किंग में खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पे पार्किंग की सुविधा नहीं है। लगातार जो है वहां पर पत्थर गिरते रहते हैं, और दूसरा साधन यहां पर है जो खच्चर है, उन पर भी बैठ करके यहां से श्रद्धालु जो है आगे की ओर जाते हैं। और आपदा के दौरान सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे ये लोग भी हुए थे, क्योंकि इन लोगों की जो रोजी रोटी है वो सिर्फ केदारनाथ यात्रा से चलती है। आप लोग बताइए कि किस तरह से जो अभी तक का आपने समय गुजारा, कैसे गुजारा? इसलिए गुजारा, ऐसे गुजर गया कि आपदा आई, आपदा में हम लोग यहीं थे, हमने अपने आंखों सामने ये सारा नजारा देखा है। यात्रियों को ले जाते हैं तो आप क्या किराया लेते हैं और क्या है आप लोगों का? सर, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है, प्रीपेड से ही सवारी जाती है, तो जो हमें गवर्नमेंट जो तय जो भाड़ा तय किया है वही हमको मिलता है, टिकट बनता है, उसके बाद ही हम लोग जाते हैं यहाँ से। जिस तरह से 2 साल आप लोगों ने गुजारे हैं, किस तरह रहा, क्या रोजी रोटी का संकट रहा? काफी काफी दुखनीय रहा सर, जो समय गया काफी दुखनीय रहा, क्योंकि आपदा के बाद लोग काफी परेशान हो गए यहाँ पे। खासतौर पर एक ही साधन है यहाँ पे, घोड़े खच्चर के जरिए लोग यहाँ पे कमाते हैं, वो भी लगभग टफ हो गया था, तो काफी परेशानी से लोगों ने अपने जीवन व्यतीत किया है। अब लग रहा है कि जैसे आज थोड़ा भीड़ थी तो ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक चलेगा लोगों का जीवन, के तो कम से कम आगे के लिए जो है कुछ कर सकता है आदमी। ये अभी तक का जो आपका सफर रहा आपदा के बाद, क्योंकि यात्रा चली नहीं, तो किस तरह से गुजारा, कितनी कठिनाई हुई आपको? बहुत कठिनाई हुई सर, क्या बोले, अब बहुत दिक्कत आई, रोजी रोटी का सब व्यवस्था खत्म हुआ जी। हाँ, अब यात्रा दोबारा से शुरू हुई है, तो किस तरह की खुशी आप मानते हैं? हम बहुत खुश लग रहे हैं सर, यात्रा ठीक ठाक चली तो हमें खुशी है, ये है। क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को, जिन लोगों के बीच में मैसेज गया है कि उत्तराखंड सेफ नहीं है, केदारनाथ यात्रा सेफ नहीं है? सेफ क्यों नहीं है, सेफ इस समय सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया व्यवस्था रहने के लिए, यहाँ भी ऊपर केदारनाथ में भी, सोनप्रयाग गौरीकुंड में ठीक ठाक चल रहा है। जिनकी जो रोजी रोटी है वो सिर्फ केदारनाथ यात्रा पर ही निर्भर रहती है, और जब तक यात्रा चलती है तब तक इनको काम मिलता है, और उसके बाद जो है ये 6 महीने खाली बैठे रहते हैं। लेकिन आपदा के बाद जो 2 साल इन लोगों ने गुजारे हैं, बहुत दुखद गुजारे हैं, क्योंकि सब कुछ इनका जो है धार्मिक पर्यटन पर ही निर्भर करता है, और आपदा के बाद यहां पर यात्री नहीं आ रहे थे। हालांकि अब जो यात्रा शुरू हुई है, थोड़ी सी खुशियां इनके चेहरे पर देखने को मिली है, और दोबारा से इनकी जो रोजी रोटी है वो पटरी पर आई है।